वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। नमस्ते फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे फिनविशिया या फिर आप उसे कह सकते हो शून्य ट्रेडिंग ऐप। इसमें अकाउंट कैसे ओपन करना है ये हम आज के इस वीडियो में देख लेंगे। यम स्टॉक में भी ब्रोकरेज जीरो है और फिनविशिया में भी यहाँ पर ब्रोकरेज आपको जीरो देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर यम स्टॉक में हमें अकाउंट खोलते समय यहाँ पर चार्जेस लगते हैं, मतलब अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, लेकिन फिनविशिया में ऐसे कोई चार्ज आपको अकाउंट ओपन करते समय नहीं लगते। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिनविशिया में अकाउंट ओपनिंग करते समय हमें जो दिक्कत आई थी, हमें जो प्रॉब्लम आई थी, वो भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा आगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे। और गूगल क्रोम पे जाके हमें यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्च हमें करना है फिनविशिया अकाउंट ओपनिंग, ऐसे यहाँ पे हमें सर्च करना है। ये देखो, यहाँ पे फिनविशिया अकाउंट ओपनिंग, जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे दो नंबर की वेबसाइट आएगी, उस दो नंबर की वेबसाइट पर हमें क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग पे सिलेक्ट करके नीचे जाना है। अकाउंट ओपनिंग पे सिलेक्ट करके नीचे चले जाना है। और जैसे ही नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखो गेट स्टार्टेड, यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। और जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 5 मिनट डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग प्रोसेस। यहाँ पे 5 मिनट में होगा ऐसा बोल रहा है, 5 मिनट में मैगी नहीं होती। तो ये अकाउंट क्या ओपन करेंगे, तो फिर भी देखते हैं 5 मिनट। तो यहाँ पे डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दो जगह पे ओटीपी आ जाएगा, एक आपके मोबाइल पे और दूसरा ओटीपी यहाँ पे ईमेल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ओटीपी हमें कंफर्म करना है। तो यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी हम करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है। और याद रहे, पैन कार्ड नंबर और आपका बर्थ डेट यहाँ पे मैच होना चाहिए। और जैसे ये डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें ये देखो ये आएगा, अगर आपका पैन कार्ड और इसका नंबर बराबर है तो यस आई एम ऐसे क्लिक करने का यहाँ पे। और अगर आपने गलत डाला है तो यहाँ पे री एंटर करके डालने का। तो हम यस आई एम पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यस आई एम पे क्लिक करते हैं तो ये देखो उसके आगे की ये प्रोसेस खुल जाएगी, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और उसके बाद आपका अकाउंट टाइप, IFSC, ये कोड हमें यहाँ पे डाल के प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही ये अकाउंट प्रोसेस पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपका जो बैंक है वो ब्रांच आपका जहाँ पे है वहाँ का एड्रेस हमें यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। बैंक अकाउंट हमें यहाँ पे कंफर्म कर देना है, एड्रेस जो भी है यहाँ का। और उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोसेस आगे की, उसके बाद यहाँ पे देखो मदर्स नेम, एनुअल इनकम या ये सब ऑक्यूपेशन वगैरह यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। और ये दो चेकमार्क है वहाँ पे किसी को सिलेक्ट नहीं कर लेना है। और उसके बाद नॉमिनी ऐड कर लेना है, नॉमिनी, लेकिन यहाँ पे नॉमिनी का वो यस वाला ऑप्शन नहीं आया इसलिए मैंने नहीं डाला। उसके बाद यहाँ पे देखो जीरो अकाउंट ओपनिंग फी, जीरो AMC, जीरो ब्रोकरेज, ये सब आया है। और बाकी यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है इसके यहाँ, और डायरेक्टली नीचे जाके हमें यहाँ पे कंफर्म कर देना है। और बाकी यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ मत करना, सिर्फ यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेगमेंट देखेंगे तो कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। और ये थर्ड वाला बॉक्स है, यहाँ पे हमें चेक मार्क कर देना है और बाकी कुछ नहीं। और कंफर्म पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना। और उसके बाद हमें लोकेशन पूछेगा, यहाँ पे अलाउ कर देना है। और यहाँ पे हमें साइन का ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हमें ड्रॉ साइन करके यहाँ पे पहले हमें साइन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ साइन पे क्लिक करता हूँ और साइन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे साइन हो नहीं रहा तो इसलिए मैं दूसरा स्टेप अपनाया, अपलोड डॉक्यूमेंट। और मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन का अपलोड कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जाके नेक्स्ट, और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो इनकम प्रूफ यहाँ पे अपलोड करने के लिए आएगा, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या फिर डीमैट अकाउंट होल्डिंग, उसमें से कोई भी PDF यहाँ पे अपलोड करके नेक्स्ट कर देना है। और ये देखो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे एरर आएगा, तो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज़ टर्न ऑन गूगल जो लोकेशन ऑफ योर ब्राउज़र टू कम्प्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। लेकिन मेरा तो सब कुछ शुरू है, मुझे लग रहा है ये मोबाइल का कुछ तो प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे दूसरे मोबाइल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम दूसरे मोबाइल से स्टार्ट करते हैं, पहले लॉगिन कर लेते हैं। और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे वो स्टेप फिर से आएंगी, तो यहाँ पे हमें सभी जगह ओके ओके करके आगे निकलना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिस स्टेप पे हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी उस स्टेप पे यहाँ पे आ चुके हैं। और ये देखो यहाँ पे खुल भी गया। और यहाँ पे हमें सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे हमें स्टार्ट कर देना है और सेल्फी निकलना है। सेल्फी आपको यहाँ पे गॉगल डाल के या फिर एक साइड से ऊपर से नीचे से ऐसे सेल्फी नहीं लेनी है, सीधा सामने से सेल्फी लेनी है, जो हमारी आइडेंटिटी साइज फ़ोटो रहती है उस साइज़ की यहाँ पे सेल्फी आनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ये प्रोसेस आप लैपटॉप से भी यहाँ पे कर सकते हो।
सेल्फी क्लिक करके वापस हम इस मोबाइल पे आए हैं, तो यहाँ पे हमें री लॉगिन करना होगा। वहाँ पे थोड़ी क्वालिटी ख़राब आ रही थी, इसलिए यहाँ पे मैं फिर से इसी मोबाइल पे अपने पुराने वाले उस पर आ गया। और जैसे ही यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ओटीपी आएगा और हमें यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लेना है। और जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे वो अगले वाले जो स्टेप है वहाँ पे आप डायरेक्टली जाओगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखो ये इंटरफेस खुलेगा और हमें यहाँ पे केवाईसी के लिए इक्विटी केवाईसी के लिए यहाँ पे ओके कर देना है। क्लिक हियर टू ई साइन, यहाँ पे हमें ई साइन के लिए क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हमें ई साइन करके ले लेना है। और जैसे ई साइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे वो पहले वो फिजिकली वो 22 पेजेस का जो फॉर्म भरते थे, फॉर्म फिलअप करते थे, तो वो यहाँ पे वो फॉर्म यहाँ पे आएगा। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर जैसे सकते ही हो। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ओटीपी ऑन फोन पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से प्रोसीड कर देना है। और जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ देखो आई एग्री दैट यहाँ पे चेक मार्क करके साइन डॉक्यूमेंट कर लेना है, ये केवाईसी के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो NSDL की साइट पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आई एग्री आई हर्ड बाय ऑथराइज ये करके चेक मार्क करके यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। और आधार नंबर डाल के वेरीफाई ओटीपी के लिए यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई कर देना है। और जैसे ही ओटीपी आएगा आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। और अकाउंट ये वेरीफाई होकर बाद आपको बैक नहीं लेना है, ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होके ये जहाँ से हम शुरू हुए थे वहाँ पर हमें ले जाएगा, मतलब उसी साइट पर। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइनड ओके कर लेना है। और जैसे ही यहाँ ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है और ये यहाँ पे फिर से लॉगिन करने के लिए बोलता है। और जैसे ही हम फिर से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ आएगा योर अकाउंट प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड। और आपको ये ईमेल के द्वारा यहाँ पे आपको ट्रेडिंग का जो आईडी और पासवर्ड है वो आएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये तब जाके आपकी यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गई, फिनविशिया की ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक के जरिए जाके आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।